देखो आज हमारे बगीचे में बिल्ली आई है और अपने बच्चे को भी लेकर आई है। देखो कितना सुंदर है ये, यहाँ पे सुरक्षित महसूस करती है तभी लेके आई है। बिल्ली की आदत होती है वो अपने बच्चों को सब जगह घुमाती है और उसे जहाँ सुरक्षित लगता है वो वहीं अपने बच्चे को रखती है। अब ये बच्चा देखो अपनी मम्मी की पूंछ के साथ खेलने लगा हुआ है और वो बिल्ली भी अपनी पूंछ हिला रही है। कितना नटखट बच्चा है देखो, अच्छा लग रहा है ना, अपनी मम्मी की तरह है, बिल्कुल एकदम वाइट है। तो आप लोग भी प्रकृति के साथ जुड़ें, अपने बच्चों को भी प्रकृति से जोड़ें। उसके लिए आपको अपने घर को प्रकृति से जोड़ने के लिए कुछ पेड़ पौधे रखने होंगे, इन्वायरमेंट उस तरह से बनाना होगा, पानी रखें भर के ताकि उसको पीने के लिए चिड़ियाँ आएँ, कबूतर आएँ, गिलहरियाँ आएँ और तितलियाँ आएँ। वो दृश्य देखने में बहुत अच्छा लगता है और घर के जो बच्चे होते हैं छोटे, उनको हमेशा पशु पक्षियों से और छोटे बच्चों से बहुत प्यार होता है। तो आप भी इस तरह की कोशिश कर सकते हैं एक, ताकि आपके बच्चे एनवायरनमेंट से जुड़े। आज मैं फूल गोभी लगाना सिखाऊंगी आपको कैसे लगाते हैं। हमारे आसपास के एरिए में ज़्यादातर सब्जी लगाते हैं लोग, तो हमें आसानी से पौध मिल जाती है, तो हम आज गोभी लगाएंगे। और यह काफ़ी वर्क हैवी होता है बगीचे का, तो मेरे साथ मेरे बच्चे और मेरा हाउसकीपर भी हाथ बटाता है। तो मेरा आज हाउसकीपर गोभी की पनीरी लगाएगा। अगर आपके एरिए में इन दिनों गोभी की पनीरी नहीं मिलती है तो आप बाज़ार से बीज लाके अगस्त के लास्ट सप्ताह में गमलों में लगा सकते हैं और थोड़े शेडी एरिया में रखें जहाँ पे ज़्यादा बारिश ना गिरे। जब ये इतने बड़े बड़े हो जाएं, चार चार पाँच पाँच इंच के, तो आप इनको गमलों में लगाना चाहें तो गमलों में लगा सकते हैं, पॉली बैग में लगाना चाहें तो पॉली बैग में लगा सकते हैं, अगर आपके क्यारी हैं तो क्यारी में भी लगा सकते हैं। भाई इसको अभी थोड़ी ठंडक चाहिए तो शेडी एरिया में रखना है शुरू में इनको लगाने के बाद। अब हम ये गोभी की पनीरी इस क्यारी में लगाएंगे। इसमें पहले भी देखो पुदीना लगा हुआ है, तोरी लगी हुई है, सेम की बेल लगी हुई है और लौकी लगी हुई है। इसके नीचे पहले मैंने मिर्ची लगा रखी थी और बीच में लाके भी गोभी लगाई थी कुछ कुछ। ये मेरी मल्टी क्रॉपिंग की जो वीडियो है उसमें आप देख सकते हैं कि उस समय इसमें कितनी फ्रूटिंग हुई हुई थी, अभी फ्रूटिंग कम हो गई है, साइज़ भी इनका छोटा हो गया है। तोरी देखो आप छोटी होने लग गई हैं, परंतु मुझे अभी इस बेल की ज़रूरत है क्योंकि गोभी को ठंडक चाहिए, तो इसकी जो छाया होएगी उससे गोभी को अच्छा इन्वायरमेंट मिलेगा, क्योंकि इन दिनों सितंबर में बहुत तेज़ धूप होती है बरसात के बाद एकदम। आपको पत्ते दिख रहे होंगे इनके, देखो अजीब तरह के हो गए हैं बेल के पत्ते, दिख रहे हैं आपको पत्ते। और अब हम गोभी लगाना स्टार्ट करेंगे, आज मेरी हेल्प मेरा हाउसकीपर करेगा। एक रो हम लगा चुके हैं, इसी के नीचे बिल्कुल सामने ही दूसरी रो भी हम स्टार्ट करेंगे। 50 सेंटीमीटर के आसपास की दूरी लेंगे और पौधे से पौधे की दूरी 30 सेंटीमीटर के आसपास लेंगे। हल्का 2 इंच के आसपास का ही गड्ढा खोदेंगे और इसको इस तरह से डाल के और मिट्टी डाल के इसको प्रेस करके दबा देंगे ताकि एयर ना रहे बिल्कुल। अब दूसरा मैं एक और दिखाती हूँ आपको, वो भी इसी तरह से पहले पौधे के बिल्कुल नीचे सामने की तरफ लगाएंगे। ये देखो इसकी जड़ है, बस जड़ जड़ ही जानी है नीचे, खोद के 2 इंच के आसपास खाली जड़ को ही दबाना है और ऊपर रखना है थोड़ा तना और इसको प्रेस कर देना ज़ोर से। और मेरे इस एरिया में काफ़ी अर्थवाम है, जब हम खुदाई करते हैं तो अर्थवाम भी बाहर निकल जाते हैं। देखो मैं आपको एक अर्थवाम दिखाती हूँ, ध्यान से देखो आप, हाथ में लेके भी दिखाते हैं हम आपको, फिर हम इनको बाद में इसी एरिया में गड्ढा खोद के डाल देते हैं। ये देखो आपको दिख रहा होगा, हाथ में लेके दिखाते हैं अभी, ये देखो इस तरह के अर्थवाम मेरी मिट्टी में काफ़ी हैं, ये बहुत फर्टाइल करते हैं मिट्टी को। हम वापस इसको इसी में गड्ढा खोद के डाल देते हैं, नहीं तो अगर बाहर होते हैं तो इनको चिड़ियाँ खा जाती हैं, इनको भी बचाना पड़ता है हमको। इसी तरह से हम पूरी क्यारी कंप्लीट कर लेंगे। और अब हम इसमें पूरी क्यारी में भर के पानी देंगे क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, ताकि पौधे बिल्कुल भी ना मुरझाएं। ये 3 महीने की फसल है, 3 महीने में गोभी बनना चालू हो जाता है। सारी क्यारी एक साथ नहीं तैयार होती है,
एक एक दो दो गोभी तैयार होती चली जाती है, आप तोड़ते जाएँ। चाहे आप इसकी सब्ज़ी बना के खाएँ, पकौड़े बना के खाएँ, अचार बनाएँ, कुछ भी बना सकते हैं। अब मेरे पौधों को लगाए हुए 10 दिन हो गए हैं। इस बेलों से इन पौधों को छाया मिल रही है, देखो कितनी धूप है इस समय, पर इन बेलों के कारण इनको छाया मिली हुई है, जिससे पौधे आसानी से अपने आप को सर्वाइव कर रहे हैं। आपको कुछ पौधे ये हल्दी के भी दिख रहे होंगे। लास्ट ईयर हमने यहाँ पे हल्दी लगाई थी, तो कुछ रह गए होंगे बीज, तो ये उग गए, मैंने उखाड़े नहीं हैं कि चलो हल्दी मिल जाएगी। अब मैंने इनकी गुड़ाई कर दी है और अब दोबारा से इनको 4-5 दिन बाद फिर पानी देंगे और ये एकदम से हरे हो जाएंगे। देखो इनकी पोजीशन कितनी अच्छी लग रही है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बाय।